हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है बिहार SSC की तरफ से CGL 4 की रिक्रूटमेंट 2023-24 के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि टोटल कितने पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, कब तक आने की संभावना है, फॉर्म की फी क्या रहेगी, एग्जाम की पैटर्न, मींस की कंप्लीट डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पोस्ट, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर थोड़े से भी हो इंटरेस्टेड तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि बिहार SSC CGL 4 की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले, तो ये वैकेंसी रहने वाली है आपकी 2023-24 के लिए, जिसके लिए अगर फॉर्म फी की अगर बात करें, जनरल BC, EBC और EWS से लिया जाएगा 540 रुपीज़ एंड SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट से लिया जाएगा 135 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। तो आपका एज जो रहेगा मिनिमम 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 37 इयर्स काउंट होगा। रिलैक्सेशन मिलता है जनरल फीमेल BC और EBC को मिलता है 3 इयर्स का, SC ST को मिलता है 5 इयर्स का। तो जनरल फीमेल BC और EBC के लिए मिनिमम 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 40 इयर्स एज लिमिट रहेगा। वहीं पर अगर SC ST की बात करें तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 42 इयर्स रहने वाले। तो अब बारी है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, विच मीन्स कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होना, तो आप एलिजिबल रहने वाले हो इसके लिए। आइए जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस का पेपर होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन वाइज क्या क्या स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट जो होता है आपका प्री एग्जाम होता है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा इसको बोल सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स होता है आपका 150 क्वेश्चन का पेपर 600 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट, मतलब 2 घंटे और 15 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन बनाने होंगे 600 मार्क्स के लिए, विच मीन्स कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 4 नंबर और निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 की। आइए अब सब्जेक्ट वाइज जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चंस रहेगा, जनरल साइंस एंड मैथ्स के 50 क्वेश्चन, विच मीन्स कि साइंस के 25 एंड मैथ्स के 25, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद होती है आपकी मेंटल एबिलिटी, इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मानो की होते हैं, जो आपका मानसिक परीक्षण आप बोल सकते हो इसको, उससे आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर होगा आपका मेंस का पेपर, तो जो मेंस का पेपर होता है ना, इसमें आपको 2 होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो चलिए पहले बता देती हूँ पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आपका होगा हिंदी लैंग्वेज का पेपर, ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। अब आप सोच रहे होंगे कितना क्वेश्चंस होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे 400 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट, मतलब 2 घंटे 15 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन बनाने होंगे, 400 मार्क्स के लिए रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। जैसा कि आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, एटलीस्ट अगर आपने 30% लाए है ना, तो आप पेपर 2 क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप पेपर 2 में जब जाओगे तो क्या क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रहेगा आपका 150 क्वेश्चंस 600 मार्क्स के लिए, समय मिलेगा 2 घंटे और 15 मिनट का, निगेटिव मार्किंग जो है रहेगा 1/4 का। सब्जेक्ट वाइज देखें तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल साइंस प्लस मैथ्स को कंबाइन करके 50 क्वेश्चंस, मतलब साइंस के 25 और मैथ्स के 25, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस इस पोर्शन से रहेगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के रहेंगे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए।
सो आई होप कि आप प्री और मेंस की एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे। उसके बाद होगा आपका क्या, टाइपिंग टेस्ट, डीवी, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कहाँ पे सर्व करना पड़ सकता है। तो बिहार के अंडर ना डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो आपको जिला है उसमें यहाँ पर वैकेंसी आई है, तो आपको बिहार में ही सर्व करना होगा। अदर स्टेट कैंडिडेट्स जैसे कि मान लो कोई हरियाणा, पंजाब, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करेगा, उसको बिहार आकर के ना एग्जाम देना हो, क्योंकि पेपर होता है यहाँ पर ऑफलाइन, पेन एंड पेपर मोड में रहेगा, आपको ओएमआर सीट पे पेपर देना होगा। अब रही बात कि आपका जो है कितना सीट पर वैकेंसी आए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो जहाँ तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, आपका टोटल सीट रहेगा 2000 से 2500 तक, मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पर वैकेंसी है। अप्लाई का डेट कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, तो बता दूं आपको कि दिसंबर 2023 से 110% चांसेस है कि आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप बताओगे मैं कैसे मान लूं कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, आप वहां पर जाके देख सकते हो। 5 अक्टूबर की डेट की एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें सारा कुछ क्लियरली मेंशन किया गया है। सो आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल बताया है बिहार एसएससी सीजीएल 4th रिक्रूटमेंट 2023-24 की रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन है, अदरवाइज आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करके अपनी क्वेरीज को समझ सकते हो। इन सभी का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके वहां पे आप मुझे फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आए तो भर भर की लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।